नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आसमान छूती महंगाई को काबू करने के लिए एक और महंगाई की मार। जी हां, आरबीआई ने बढ़ते इन्फ्लेशन पर लगाम लगाने की बात कहते हुए रेपो रेट में दूसरी बार कर दी है बढ़ोतरी। अब की बार छोटा मोटा नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई। इससे असर ये होगा कि तमाम तरह के जो कर्ज हैं वो महंगे हो जाएंगे। आपके घर, कार, बाइक की जो ईएमआई जाती है वो भी ज्यादा जाएगी, महंगी हो जाएगी। यानी कि जिस समय कमाई के साधन कम हो रहे हैं उस समय महंगाई की मार जनता पर अब और ज्यादा पड़ने वाली है। पहले ही खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है, इससे जनता की जेब ढीली होती जा रही है। लेकिन इस बीच रेपो रेट में बार बार बढ़ोतरी से मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई, सबसे ज्यादा भार बढ़ता हुआ। इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक हुई आपात बैठक के बाद रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी थी। तारीख थी 4 मई की। उस वक्त भी कहा गया था कि भाई महंगाई को काबू करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। जानकार बताते हैं कि अगर महंगाई की दर एक निश्चित दायरे से बाहर निकल जाए तो अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाल सकती है। इससे जो निजी खपत है वो घट जाती है, इसका असर सीधे सीधे कंपनियों के मार्जिन पर पड़ता है और उत्पादन भी गिर जाएगा। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में जारी मौद्रिक नीति समिति के फैसलों में विकास दर अनुमान को घटा दिया था। ऐसे में सवाल ये कि आरबीआई के फैसलों के बावजूद भी, वो भी दो दो फैसलों के बावजूद भी, महंगाई का ग्राफ ऊपर क्यों चढ़ता जा रहा है, महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। आज चर्चा इसी पर। Against this background, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June. And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. EMEs are also witnessing depreciation of their currencies. Global stagflation concerns are growing and are amplifying the volatility in global financial markets. This is feeding back into the real economy and further clouding the overall outlook. The MPC noted that in such challenging global environment, domestic economic activity is gaining traction, while inflation pressures have intensified further. तो विश्व भर में मंदी के हालात के तमाम कारण गिनवाए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए कि रेपो रेट बढ़ाने से जो महंगाई है वो घटेगी या बढ़ेगी, रेपो रेट का महंगाई से किस तरह का कनेक्शन होता है, करेंगे जानने की कोशिश। कर्ज बढ़ने की वजह से जनता पर और बोझ तो नहीं पड़ जाएगा? मार्केट में डिमांड को सरकार कैसे बढ़ाएगी? कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन ये होगा कैसे? कम होती निजी खपत पर क्या है सरकारी प्लान? क्या सरकार इस बारे में सोच भी रही है? सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद भी रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई क्यों मौजूद है, क्यों पहुंची हुई है, ये भी गंभीर सवाल। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वत्स साहब आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता शुभ्रांश राय मौजूद है, बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी आपके साथ, आप अर्थशास्त्री हैं, सबसे पहले तो जरा समझाएं, रेपो रेट बढ़ा दिया गया, ईएमआई बढ़ने वाली है, बेसिक फैक्ट पता लग रहा है, लेकिन इससे महंगाई कैसे कम होगी और रेपो रेट का ईएमआई के साथ ये किस तरह का कनेक्शन होता है, जरा समझाइए। देखिए, वास्तविकता में आरबीआई के पास केवल एक टूल है जो मॉनेटरी पॉलिसी है,
कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा घटा के वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ के सामंजस्य को स्थापित कर सके। आपको ये चुनना है, सरकार को ये चुनना है, या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको ये चुनना है कि वो ग्रोथ को ज्यादा महत्व देती है या इन्फ्लेशन को ज्यादा महत्व देती है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम होती है और परचेसिंग पावर कम होती है, जिसकी वजह से अगर परचेसिंग पावर कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है, लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ भी कम होगी। लेकिन जहां तक मेरा खुद का विश्लेषण कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से इस समय बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करना संभव नहीं है। इस समय की जो महंगाई है उसकी कुछ विशिष्टताएं हैं। पहली विशिष्टता यह है कि मार्केट के अंदर परचेसिंग पावर कम हो रही है, इसके बावजूद जब डिमांड कम हो रही है तो भी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि या तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, या जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाने के बावजूद जो दाम बढ़ रहे हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो बिचौलिए हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। देखिए, वास्तविकता में अगर आपको जो फिस्कल पॉलिसी है उससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो हो रहा है, जो मेरा विश्लेषण कहता है कि अगर 95% लोगों की इनकम कम होगी, अगर जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग है, अल्प मध्यम वर्ग है, उसकी इनकम कम होगी, और केवल 5% लोगों की इनकम बढ़ेगी जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। आप ये देखिए, पिछले 3 साल के अंदर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो 5% लोगों की इनकम 3 गुनी हुई है और 95% लोगों की इनकम कम हुई है। ये जो 95% लोग हैं डिमांड क्रिएट करते हैं, ये खरीदने वाले लोग हैं, और जो 5% लोग हैं वो सप्लाई क्रिएट करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो आपने, सरकार ने जो किया है उसने इनकम को टैक्स करना चाहिए था, उसने एक्सपेंडिचर को टैक्स किया। अच्छा ठीक है, अब मैं ये समझूंगी आपसे सर, कंज्यूमर के लिहाज से ये कितना नुकसानदायक, क्योंकि सर देखिए तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, तनख्वाह तो मेरी वही है, और मुझे अगर 1 किलो टमाटर खरीदना है तो सर देखिए वो तो मैं खरीदूंगी, वो तो मेरी जरूरत है, लेकिन EMI जो मैं दूंगी वो भी बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं लग पा रहा है, 4 मई को बढ़ाया था, आज 8 जून को बढ़ा दिया है, ये कहा गया था पिछली बार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया, आज भी उसी की दुहाई दे दी गई, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार ये मिडिल क्लास पर महंगाई की मार का बोझ क्या यूं ही पड़ता रहेगा, कोई राजनीति नहीं दिखाई दे रही? और जो गरीब वर्ग है और जो मिडिल क्लास है, देखिए वास्तविकता में जो आपको लग रहा है कि एक रिसेशन आ रहा है, इंटरनेशनल रिसेशन आ रहा है, अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप परचेजिंग कम कर रहे हैं और उससे इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, यही मैंने निवेदन किया कि अगर आप GST को बढ़ा के, पेट्रोल डीजल को बढ़ा के लोगों की परचेजिंग पावर कम कर देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास और जो कम इनकम वाले हैं और जो बहुत अमीर लोग हैं, पेट्रोल डीजल और GST सब बराबर देते हैं, तो ये फिस्कल पॉलिसी का इशू है। अगर आप कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाएं, अगर आप इनकम टैक्स बढ़ाएं उन लोगों की जिनकी इनकम बढ़ रही है, तो आपके जो आय के स्रोत है वो बढ़ेंगे, लेकिन अगर सारी कटौती और सारा वसूली आप मिडिल क्लास से और लोअर इनकम ग्रुप से करेंगे जो मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी से, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा घटा के नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो छोटी कंपनियां हैं, जो MSME हैं, अगर आप उनका इक्विटी डेट रेशो देखेंगे तो उनका इक्विटी डेट रेशो बहुत ज्यादा होता है, 3 का डेट होता है, 1 की इक्विटी होती है, और जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी होती हैं उनका डेट होता है अगर 0.6 तो इक्विटी होती है 1। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से छोटी कंपनियों को नुकसान होता है, बड़ी कंपनियों को जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें नुकसान से पैसा उठाती है, उनको नुकसान नहीं होता। ठीक है, ऐसे में सर ये बताया कि लिक्विडिटी का आपने जिक्र किया, लिक्विडिटी कम करने के लिए अगर RBI ने कदम उठाया तो सरकार के खजाने पे भी तो जो टैक्स है वो कम पहुंचेगा ना। अल्टीमेटली जब लोग कम खरीदारी करेंगे, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि परचेजिंग पावर ऑलरेडी कम है, वो और कम हो जाएगी, तो फिर कैसे राहत की उम्मीद लगाए? नहीं नहीं, आप खुद विश्लेषण कीजिए, पिछले 2 साल से आपकी GDP कॉन्स्टेंट है, आपका IIP नहीं बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से GST बढ़ा है। देखिए, जब 100 रुपए का कोई चीज बिकती थी और उससे 20% मान लीजिए, उदाहरण लेता हूँ, टैक्स था तो उसमें 20% का टैक्स मिलता था, आज उसकी कीमत अगर 140 हो गई है तो आपका GST बढ़ गया। तो GST का बढ़ना और महंगाई का बढ़ना आपस में रूप को रिलेटेड है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की GST बढ़ जाएगी,
लेकिन जो आम आदमी है उसकी क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने खुद कहा था कि अगर आपको टमाटर खरीदना है तो आपको तो खरीदना पड़ेगा, खाना तो आपको खाना पड़ेगा, और जो भी चीज आप बाजार से खरीदेंगे उसमें आपको जीएसटी देनी देनी है। तो अगर चीजों के दाम बढ़ जाएंगे 20% से तो जीएसटी तो 20% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, और अल्टीमेटली फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि आम जनता की जेब पर इसका बोझ पड़ता है, उन्हें भुगतना पड़ता है। चलिए जी, क्या आप हमारे साथ बने रहे, डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए। कौशिक साहब, आम जनता सर करा रही है लेकिन सरकार तमाम रीजंस गिनवाती नजर आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि अभी ये हाल लंबा रहने वाला है। देखो शिल्पा, यह समझना पड़ेगा कि जो आज आरबीआई के गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए। हेलो जी, जो आरबीआई के गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो चीजें बताई जी, इससे इतर थोड़ा कुछ और बताते आरबीआई के गवर्नर तो मुझे लगता है कुछ चीजें समझ में आती हैं। टेक्निकल चीजें जनता की समझ में नहीं आती, नहीं आती, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें वो जनता के समझ में आती हैं। हाँ, जीएसटी कलेक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हाल बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, जो आप रेपो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जब आप अन्य देशों की तुलना कर रहे हैं तो अन्य देशों की तुलना में हमारा देश अलग है। 70% से ज्यादा जनता हमारी कृषि पे डिपेंड है, और यहाँ कोरोना काल के बाद देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे देश पे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कृषि पर जनता ज्यादा डिपेंड है। दूसरा, सरकार ये भी बताना चाहिए कि एफडीआई जो आ रहा है 70% कुछ राज्यों में जा रहा है, 70% एफडीआई गुजरात में ही खर्च हो रहा है, आ रहा है, क्यों आ रहा है? अन्य देश के राज्य नहीं है क्या? क्या इजी डूइंग की बात की जाए, बिजनेस इजी डूइंग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर एक पर नहीं था क्या? अभी एक नंबर पर, दो नंबर पर आया। उत्तर प्रदेश में एफडीआई कितना आ गया तुलना की जाए, दिल्ली में एफडीआई कितना आ गया, राजस्थान में एफडीआई कितना आ गया? तो जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे सारी चीजें, आपके आंकड़े आपके अस्त व्यस्त हो जाएंगे कि कुछ राज्यों पर बहुत आशीर्वाद है और कुछ राज्यों पर आशीर्वाद आपका बिल्कुल नहीं है। तो ये जनता की समझ में आता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के माध्यम से, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो बाहर से जो पैसा आ रहा है बिजनेस के नाम पर, वो ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आप तुलना करेंगे कि जो युवा है जिनकी नौकरियां चली गई कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के बीच में, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप देखिए, जो डीमैट अकाउंट खुलते हैं, जहां शेयर की बात आती है, मार्च 2020 में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे और मार्च 2022 में डीमैट अकाउंट थे 8 करोड़ 90 लाख, 7 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट खुले। तो कौन सा वो युवा है जो शेयर की तरफ भाग रहा है? क्या ये सरकार को नहीं दिखाई देता? क्या कुछ लोगों के हाथ में जब स्विच होगा महंगाई का तो क्या क्या हाल होगा? जो बैठे 7 करोड़ के आसपास लोग क्या हैं, वो बैठ के लैपटॉप पे बैठ करके अपने एसी रूम से बैठ करके मैनेज कर रहे हैं, शेयर अप एंड डाउन कर रहे हैं। हाँ? तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मैं बहुत बहुत मोटी सी बात बता रहा हूँ जो जो सब लोगों की समझ में आ जाएगा। हाँ? दूसरी बात, आप महंगाई की बार बार बातें कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, सारा देश इस बात को मानता है। आपके पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने कई बार कहा कि डीजल पेट्रोल क्यों नहीं जीएसटी के भीतर ले आते आप, जीएसटी के भीतर डीजल पेट्रोल आ जाएगा तो अपने आप सारी चीजें काबू में आ जाएंगी, आप उसको करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति में आप खुद देखते हैं कि हमें किससे फायदा है किससे नुकसान है, और जब कोई बात आएगी तो आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या चल रहा है उसके बारे में आप बात करने लगेंगे कि अन्य देशों में बहुत महंगाई है, श्रीलंका में 400 रुपए लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर है, हमारे यहाँ इतना कम है। तो ये इससे काम नहीं चलेगा ना कंपैरिजन से, मतलब देश की जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल रमेश ठाकुर जी, यानी कि सस्ते लोन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है, और ऊपर से मुसीबत ये है कि तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, ईएमआई और बढ़ गई, आम जनता करे तो क्या करे? लगता है रमेश ठाकुर जी से संपर्क हमारा कट गया है। सुभ्रांश राय जी, इसी सवाल के साथ आपका रुख करते हुए। देखिए शिल्पा जी, मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन हम शुरुआत करते हैं शब्द आप लोगों ने जी मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ एक शब्द यूज किया था प्रोफेसर साहब ने, परचेजिंग पावर। मुझे लगता है कि आज आपके दर्शकों को बड़ा साधारण भाषा में समझना चाहिए कि परचेजिंग पावर इज इक्विवेलेंट टू सर्कुलेशन ऑफ मनी।
आदमी की पॉकेट में पैसा होता है अगर वो कुछ खरीदता है तो खरीदने सारा व्यापार तंत्र चलता है बिल्कुल। लेकिन इस आज के घटनाक्रम के ना तीन चार बड़े बड़े बिंदुए हैं जो जिम्मेदार हैं। एक लाइन आपने अपने पैकेज के बाद बोला था कि सैलरी तो बढ़ी नहीं, पिछले तीन सालों में सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन पिछले एक महीने में 90 पैसे का बेसिक पॉइंट बढ़ने की वजह से लोगों की ईएमआई के ऊपर लगभग 900 रुपए का फर्क पड़ता है। सही बात। एक बात, अगर आज आप कोई नया लोन, मुझे नहीं मालूम कि इस पैकेज में मतलब इस शो में बैठे हुए कुछ लोगों ने होम लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है, लेकिन अगर आज जिस किसी के पास पुराना होम लोन होगा वो 9.5% या उसके ऊपर के ब्याज दर पे चल रहा होगा और जो नया होम लोन लेने जाएगा वो 7.5% और 8% रेट पे चल रहा होगा। ये मोदी सरकार की उपलब्धियों में आता है। चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, क्योंकि इन समस्याओं का कारण क्या है। देखिए तेल वेल और पेट्रोलियम जीएसटी वीएसटी ये सब पिछले बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। हाँ। ये लोग इस देश के समझने वाले नहीं है, लोगों को हिंदू मुसलमान अच्छा लगता है। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो चर्चा नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने $192 बिलियन लगभग मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की मिली पूरी दोनों संपत्ति के बराबर का तो हमारा 2021-22 का व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा का मतलब शुद्ध भाषा में ये होता है कि हमारे यहाँ मेक इन इंडिया नहीं होता, हम सिर्फ मेड इन चाइना कर रहे हैं, हम बाहर के देश से हर कुछ। अच्छा, आपके मुताबिक मोदी पॉलिसीज के फेल होने का ही नतीजा है कि महंगाई इस तरह से बेकाबू होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं तो पतंजलि जैसे प्रोडक्ट का घी भी हिंदुस्तान की वजह लंदन से आजकल आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय तो होती नहीं है, पोल्ट्री बहुत कम हो गई है, सरकारों ने ऐसा कोई प्रोत्साहन दिया नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैडम, गाँव का निवासी हूँ, अगर आप हमारे गाँव में चले जाएंगे तो गिनती से 25-30 गाय मिलेगी। तो जब गाय गांव में ही दूध नहीं है वहीं पे दही और घी नहीं बनता तो कहां से इनके लिए। अच्छा चलिए ठीक है सुधांश राय जी, अब मुद्दे की बात करते हैं। बीजेपी की विफलता है गिनवाना, चलिए आपको सूट करता है, समझ में आता है, लेकिन 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 अगर आम आम जनता के लिहाज से बात करें सर, आम जनता को कैसे इससे राहत मिल सकती है, क्या उसका कोई सुझाव है आपके पास, कुछ समाधान है आपके पास सरकार से साझा करने के लिए? मैं आज बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, 3 साल से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आपका ईएमआई का खर्चा गाड़ी का पीने वाले तेल की जगह घर में सब्जी में यूज होने वाला तेल जो है वो डबल नहीं 230% पे है। 90 रुपए का सरसों तेल 230 रुपए पे है मैडम परसेंटेज। आज आप आदमी देखिए एक बात बताइए, चाहे मैं जो भी भाषण दे लूं, चाहे पैनल में बैठे हर कोई भाषण दे ले, शाम को सब्जी खरीदनी है सबको, सबको तेल आटा चावल दाल खरीदना है बिल्कुल। यहाँ से अगर मुझे नोएडा जाना होगा और जाकर आना होता है तो गाड़ी में मैडम 1000 रुपए सुपर का पेट्रोल डीजल के दाम भी चुकाने पड़ेंगे बिल्कुल। तो सवाल बेसिक है, ये जनता की समस्या है कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी मशीनरी के द्वारा हिंदू मुसलमान सब उसको सूट करता है हाँ। इसकी वजह से ये सब चीजों पर ध्यान नहीं जाने देते। लेकिन अब इसका उपाय देखिए, बाप प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बड़े सारे जो पुरानी योजनाएं हिंदी में थी उसका उन्होंने इंग्लिश में नाम रख दिया, लेकिन क्या उसके बाद उन योजनाओं को इंप्लीमेंट किया गया? अगर आपके देश में कुछ बनेगा तो बाहर बेचने जाएंगे उसको। ठीक है, एक एग्जांपल ये लोग देते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल हम जो है किसी कंट्री को बेच रहे हैं, अरे भैया 130 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने तमाम कारण गिनवाए महंगाई के पीछे, उन्हें दरकिनार करते हुए आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोदी पॉलिसीज की फेलियर की वजह से हुआ है? चलिए ठीक है सर, चलिए सर फिर आलोक जी का मुझे रुख करना होगा। बोलिए, ये इसके पीछे रीजन है। अभी जो आज आपने पैकेज शुरू किया किसानों के एमएसपी के ऊपर, आपकी जानकारी के लिए मैं शेयर कर दूं, अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 53% गेहूं कम खरीदा गया है। ये किसानों वाली एमएसपी होती कहाँ है? आप उत्तर प्रदेश में बैठी है। ठीक है सर, आपके आपका पॉइंट आ गया है सर। आलोक वर्षी का जो करना चाहूंगे, आलोक जी देखिए महंगाई का ऐसा बार आरबीआई भी हुआ लाचार, आम आदमी पर लेकिन पड़ रही है इसकी जबरदस्त मार, क्या करें आम जनता? एक मिनट शुभांशु देखिए प्लीज सर, लिमिटेड समय होता है सर, तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए, सबका वक्तव्य जरूरी है, और आपने इतनी सारी विफलताएं गिनवा दी है, सीधा सीधा ठीकरा अगर मोदी सरकार पर फोड़ा है तो सर जवाब के लिए आलोक जी का मुझे रुक करना होगा। आप आलोक जी के पास जाइएगा, इसके बाद मैं पूरे 1 घंटे चुप रहूंगा। बोलिए सर, जल्दी से समाप्त कीजिए। जो गेहूं और आपने धान के ऊपर बताया रिजर्व प्राइस और फिक्स प्राइस सरकार ने बढ़ा दिया 90 रुपए, आप नोएडा से बैठ के 50-100-200 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, पंजाब चले जाइए, पहले जाके पूछिए तो सही खरीदा कहाँ जा रहा है। 4 दिन पहले इकोनॉमिक सर आज के टॉपिक पर रहे हम तो ज्यादा बेहतर होगा, आज डेपो रेट पर चर्चा हो रही है ना, जब उस पर चर्चा होगी तो मैं जरूर आपको इनवाइट करूंगा। ठीक है सर, आपका आपका कंसर्न पॉइंट आ गया है, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अब आगे बढ़ूं सर।
ठीक है सर, ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। आलोक वर्षी जवाब दीजिए, महंगाई का ऐसा वार सर, देखिए जबरदस्त तरीके से मार किस पर पड़ रही है? आम लोगों पर पड़ रही है, और वो भी मिडिल क्लास का। सोचिए क्या हाल हो रहा होगा, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, ईएमआई पर ईएमआई बढ़ती चली जा रही है, और ये दलील देकर कि भाई महंगाई को कंट्रोल करना है, वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। देखिए इसके अनेक कारण है। सबसे पहला कारण है कि ग्लोबल, हम किसी दूसरे दुनिया में तो नहीं रह रहे हैं, इसी पृथ्वी पे। तो विश्व में जो अभी परिदृश्य है, अमेरिका में इन्फ्लेशन का क्या हाल है, इंग्लैंड में इन्फ्लेशन का क्या हाल है, इस सबको आप नकार दीजिए, कहिए कि हमारा देश अपनी बात करो। अरे इन सबसे रिलेटेड होता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे ब्यूटेन प्रोपेन जो डोमेस्टिक गैस में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो यहाँ इम्पोर्ट होते हैं। तो अगर ग्लोबली उनके दाम बढ़े हैं तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ भी होगा ही। अब देखिए अभी हमने MSP बढ़ा दिया 19 प्रोडक्ट पे किसानों का, उसके पैसे देने नहीं पड़ेंगे अगर वो लोग खरीदते हैं इस तरीके से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है, लेकिन अपने देश के अगल बगल के ये जो हालात हैं दूसरे देशों के, उससे तो हम बहुत बेटर स्थिति में हैं। उस तरीके का इन्फ्लेशन तो नहीं है हमारे यहाँ, और ग्रोथ भी भाग रहा है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई कि विश्व का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया की भी गिनती हो रही है। तो इन सब कौशिक जी ने इसी बात का जिक्र किया था सर, हा? कौशिक जी ने इसी बात का जिक्र किया था, तो पहले ही पता लग गया था उनको कि आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं, आप लोगों के पास जवाब देने के लिए बचा क्या हुआ है। सर आम जनता मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं जानती, ना समझना चाहती है, वो बस राहत चाहती है। देखिए आम जनता इन चीजों को समझती है, वो हमारी मजबूरियों को समझती है, वो दूसरों को ला के फिर देश को लुटवाना नहीं चाहती है, इसलिए वो हम पर धैर्य रखकर और हमें दोबारा तिबारा जीतकर जीतने का मौका दे रही है। उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में हम बिल्कुल स्थिर और लेकिन सही हाथ में। कितने झटके, 4 मई को एक झटका लगा, 8 जून को एक झटका लग गया, यानी कि हर महीने ये आप ये कह रहे हैं कि जनता को तैयार रहना चाहिए झटके के लिए। ऐसे कुछ झटके लगेंगे, ये हमारी मजबूरी है, त्रासदी है और सच्चाई भी है, यानी कि फिलहाल तो राहत मिलती हुई कहीं दिखाई दे नहीं रही। अगर मैं धनवंतरी बन के कोई इसका नुस्खा पेश कर दूं तो ये संभव नहीं है। लेकिन सुधांशु राय कह रहे कि भाई अगर आपकी पॉलिसी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होती है, देश के लिए कुछ अच्छा आपने योजना बनाई होती, कुछ सोचा होता, तो शायद आज ऐसी नौबत आती नहीं। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है। रमेश जी मूल प्रश्न वही सर, आम जनता मरे जा रही है, लाचार है बुरी तरह से, सरकार से उम्मीद है, RBI से कुछ उम्मीद है, लेकिन झटके पर झटके के अलावा जनता को कुछ मिल नहीं पा रहा है। नहीं, अभी जो BJP के हमारे साथी थे उन्होंने कह तो दिया कि अभी झटके और भी झेलने के लिए आप तैयार रहो। तो ये चीजें देखो दर्शाती हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तभी जो जनता है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार जिताते जा रही है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन इसको बारीकी तौर पे थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जो चीजें अभी आपने भी कहा कि टमाटर का आपने एक उदाहरण दिया कि जो टमाटर 60 रुपए का था वो 100 रुपए कैसा हो गया। एक आम आदमी जो रेपो दर नहीं समझता, GST नहीं समझता, ये सारे आंकड़े वगैरह ये उसमें उलझना नहीं चाहता है, वो सीधे ही जानना चाहता है 40 रुपए का 30 रुपए का जो टमाटर बिकता था वो 100 रुपए का कैसे हो गया। मैं किसान का बेटा हूं, मैं गांव से आता हूं, मैं किसानी हमारा पेशा रहा है शुरू से आखिर तक, हमें जानते हम, मेरे खेत में टमाटर भी होता है बैंगन भी होता है, जो बैंगन 16 रुपए किलो मंडी में जाता है वही बैंगन 40 रुपए कैसे हो जाता है, जो टमाटर 32 रुपए हमसे खरीदा जाता है वो 90-100 रुपए का कैसे हो जाता, ये गणित अगर हम किसी से पूछे तो कोई बता नहीं पाएगा। अब जब महंगाई बढ़ती है, मत गौर से समझने की चीज है, जब महंगाई जब बढ़ती है तो प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सामने नहीं आती है। अब जो गवर्नर साहब बेचारे शशिकांत दास जी नए बने हैं, उनको चीजें ज्यादा पता भी नहीं है, उनको सामने बैठा दिया कि आप रेपो दर को इंक्रीज करके आप बता दो, उन्होंने बता दिया। यही रेपो दर जब कम होगी तो निर्मला सीतारमन सामने आ जाएंगी और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी सामने आ जाएंगे, उसके बाद में जलसे भी होंगे, उसके बाद में BJP के नेता बड़ी बड़ी अच्छी बात है, हर चीजें बताई जाएंगी कि महंगाई कैसे, महंगाई खत्म कैसे हुई। अब आप समझिएगा जिस तरीके से पेट्रोल पे प्रधानमंत्री जी ने कमी की 5-10 रुपए जो भी कम हुए, उसके बाद आपने देखा हर प्रदेश में हर जगह बड़े बड़े जलसे हुए,
अगर उन सारे झलसों को अगर मिला लो तो मुझे लग रहा पूरे हिंदुस्तान के जो फोर्थ क्लास चपरासी है एक साल की उनकी तनख्वाह निकल जाएगी। लेकिन नहीं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप उत्साह मनाइए, सब कुछ करिएगा, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो अब इस समय की है, ये ऐसी हुकूमत है जिनका खजाना भरा पड़ा है। जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। कोरोना की अभी संजीव जी ने बात करी, बहुत अच्छी बात करी। कोरोना में सारे के सारे देश ध्वस्त हो गए, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक सेक्टर ऐसा है जिसने उनकी इज्जत बचाई, वो है कृषि क्षेत्र। 74% आज भी हमारा देश कृषि पे निर्भर है। 20-22% आज भी जीडीपी हमारे उस पर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में आपने क्या करा? डाया, जितनी भी खादें हैं, पोटास जितनी खादें हैं, जो कभी ₹1000 का जो कट्टा मिलता था, हमारे गांव में कट्टा कहते हैं, बोरी जिसको बोला जाता है, तो वो बोरी आज ₹2500 की हो गई है, ₹3000 की हो गई है। ये महंगाई क्यों बढ़ी? जब हम कोई पूछता है, एक आम आदमी पूछता है, तो नेता जो जाते हैं सफेद कुर्ता पहन के, वो कहते हैं वहां पे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसके वजह से तो ये चीजें हो गई हैं। असर पड़ेगा। तो दलीलें जो दी जा रही है ना, वो दलीलें भी कोई मतलब एक गले नहीं उतर पाती इनकी, क्या चीज है। अब आंकड़े बता रहे, रेपो दर ठीक आपने बढ़ा दी है, आप सीधे शब्दों में बताओ अल्टीमेटली इसका फर्क किसके पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा जो ईएमआई चुकाता उसके ऊपर। ईएमआई कौन चुकाता? बिल्कुल मध्यम वर्ग का, जो आम आदमी है, उस पर ही तो अल्टीमेटली सब कुछ उसके ऊपर पड़ेगा। एक मध्यम वर्ग है जो नौकरी पेशा पे, उनकी हर साल भत्ता बढ़ जाता है, सब चीजें बढ़ जाती है सामान के लिए, और उसको ईएमआई पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे ज्यादा असर अल्टीमेटली उसी पर पड़ता हुआ, मार उसी पर पड़ती हुई। अखाड़े में चर्चा हो रही है रेपो रेट बढ़ने पर। आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट बढ़ाया था, 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़े थे, और आज एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, आज 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर्स को कितना फायदा कितना नुकसान? ईएमआई बढ़ने वाली है, रेपो रेट बढ़ाने की वजह से महंगाई घटने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या ये घटेगी वाकई में? कर्ज बढ़ने से जनता पर क्या और बोझ नहीं पड़ने वाला, वो कैसे डील किया जाएगा? मार्केट में डिमांड को सरकार कैसे बढ़ाएगी, क्या कुछ प्लान है सरकार के पास? जो निजी खपत कम होती जा रही है उसको लेकर सरकार कितनी चिंतित है, क्या उसके बारे में भी सोच रही है? सरकार के उठाए गए कदमों के बाद भी रिकॉर्ड स्तर पर है महंगाई, फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है महंगाई का स्तर, आखिरकार क्यों? वजह जानने की कर रहे कोशिश, तमाम इसके इंपैक्ट जानने की कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए सर, सीधा सा सवाल, जिन लोगों की ईएमआई ऑलरेडी चल रही है उन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, किस हद तक इंपैक्ट पड़ेगा, और जो लोग लेने जाने वाले हैं उन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? साथ ही जो ब्रेक पर जाने से पहले मेरे जहन में सवाल था कि क्या जब जिस स्थिति को लाने की बात कही जा रही है, महंगाई को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, न जाने वो कब होगा, लेकिन अगर वो हुआ तो क्या फिर ये रेपो रेट रिवर्स भी हो जाता है सर? क्या कुछ प्रोसीजर होता है जरा बताए, ताकि उम्मीद तो बने कम से कम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बैंक हैं वो भी एक छोटा सा खेल कर जाते हैं। हाँ, जब इंटरेस्ट रेट में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंज होता है तो उसके बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं करते हैं। अच्छा। और जब नुकसान कस्टमर को होता है तो उसको पास ऑन कर देते हैं। पहली बात ये। एक दूसरी चीज आपने देखी होगी, 5 दिन पहले जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया गया है। पहले वो 8.5% था, अब 8.1% है, जो 40 साल में सबसे कम है। अब ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में पैसा कौन जमा कराता है? ये सारे के सारे मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयज, और ये बहुत बड़ा कॉर्पस है। देखिए, एक चीज को समझना बहुत आवश्यक है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक संबंध है। अगर इन्फ्लेशन 8% का है और होलसेलर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है वो 15% का है, और अगर इंटरेस्ट रेट 6% का था, इसका मतलब ये था कि सरकार ये चाहती थी कि लोग डेट इंस्ट्रूमेंट में एफडी में पैसा न रखें और पैसा इक्विटी मार्केट में लाएं, जिससे इक्विटी मार्केट बढ़े। जिन लोगों ने एलआईसी में पैसा लगाया है तो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार को तो पैसा मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने कॉमन इन्वेस्टर ने एलआईसी के शेयर में शेयर पूंजी खरीदी, आज उनके दिल से पूछिए वो तो सोच रहे थे कुछ फायदा होगा, उनको तो नुकसान हो गया। तो देखिए, बेसिक पॉइंट ये है कि सरकार को तो फायदा ही फायदा है, जितनी महंगाई बढ़ेगी सरकार को उतना फायदा है। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है, बहुत प्रतिकूल और विकट परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो रही है।
हमारा डॉलर की तुलना में जो रुपए है वो 77.70 के आसपास पहुंच गया है और क्रूड जो है $120 के आसपास पहुंच गया है। जैसे जैसे रुपए वीक होता है वैसे वैसे फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको बोरोइंग करनी पड़ती है और जितनी ज्यादा बोरोइंग होती है और आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपकी रेटिंग गिरती है तो एक विकट परिस्थिति है। इसका मात्र एक तरीका ये है, ये आरबीआई के बलबूते की चीज नहीं है, ये सरकार को करना पड़ेगा, अमीरों पे टैक्स लगाना पड़ेगा और जो जीएसटी और पेट्रोल डीजल पे टैक्स है इनको कम करना पड़ेगा। यही एक माध्यम है जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। क्या इन सुझावों पर सरकार थोड़ा भी गौर कर रही है आलोक वश जी, जो अभी अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने बताए हैं? देखिए अखिल शर्मा जी ने जो कहा, अगर देश के लोग सुन रहे हैं और लगता है कि इससे सारी समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास अर्थशास्त्रियों की कमी है, उनके इर्द गिर्द भी एक से एक सलाहकार हैं जो पूरे देश दुनिया की जानकारी रखते हैं। तो अगर इनकी बातों में दम है तो हमको लगता है कि उनको जरूर इसको लागू करना चाहिए। अगर कोई भी अच्छा सुझाव देता है जिससे कि देश की बढ़ोतरी हो तो मैं क्यों कहूंगा कि उसको ना किया जाए। हमारे ही पार्टी के लोग कहें वही सही होगा, ऐसा तो मेरी मानता नहीं है, लेकिन अगर इनके बात में दम है और लगता है कि इससे देश का कल्याण हो जाएगा, ऊपर तक पहुंचाएंगे आप, अवश्य सिरोधार करेंगे और अपने लेवल पे जहां तक होगा इनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कौशिक साहब कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, कौशिक साहब को तो पूरा अधिकार है, आवाज नहीं आ रही है। आलोक जी वो कह रहे हैं कि आपको इन सुझावों में दम महसूस होता है कि नहीं? देखिए मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन अर्थशास्त्र की पढ़ाई मैंने की है ग्रेजुएशन तक, तो अभी इसके ऊपर कुछ कहना मेरे लिए जरा ठीक नहीं रहेगा। देखिए आपको अल्टीमेटली मेरे मुकाबले ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं इनकी बातों पर टिप्पणी करने के पहले कुछ अध्ययन कर लूंगा तब टिप्पणी कर सकता हूं। बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, उन सुझावों पर बात करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उन्हें ऊपर तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब टिप्पणी करने की बात भी आती है तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौशिक साहब आ रही है सर आपके पास, कौशिक साहब यानी कि कुल मिलाकर निकट भविष्य में क्या थोड़ी भी कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर नहीं? सरकार को फायदा पहुंचेगा अल्टीमेटली, नाक चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमाकर पकड़ो, आम आदमी वही का वही। देखो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर से कि जो अभी अर्थशास्त्री कह रहे थे कि सरकार को फायदा है, मैं कह रहा हूं सरकार को कम बिचौलियों को ज्यादा फायदा है। और जो 2014 के बाद बार बार प्रधानमंत्री ने अपने मन से कहा कि बिचौलियों को हम खत्म करेंगे और जब बिचौलिये खत्म हो जाएंगे तो सीधा लाभ फसल पैदा करने वाले लोगों को या उत्पादन करने वाले लोगों को मिलेगा, मुझे लगता है कि बिचौलियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई और बिचौलिये ही डिसाइड कर रहे हैं किसका रेट क्या होगा। बहुत सारे जैसे अभी कहा कि 5% लोगों का ज्यादा इनकम बढ़ी है, 95% की बहुत कम हो गई है, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी जिस तरीके से कहा कि 7 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट एक साल में बढ़ गए, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो आखिर में बिचौलिये जो है, जैसे अभी रमेश ठाकुर जी ने कहा कि हमारे यहां से इतना जाता है और बाहर जाकर के जब ग्राहक तक पहुंचता है तो उसकी रेट दोगुनी तिगुनी हो जाती है। अभी आपने नींबू का देखा होगा कि नींबू कितने रुपए, 10 रुपए 15 रुपए का एक नींबू बेचा। एग्जैक्टली और जब मेरे ही कुछ संज्ञान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नींबू पहले खरीद करके रख लिया, गोदामों में रख दिया, जो मुनाफा कमाया सब्जियों को रखे जाता है तो अब वो मुनाफा स्टोरेज में, क्या सरकार को पता नहीं है मुनाफा कमाने वाले कौन लोग हैं कोल्ड स्टोरेज में? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीजें सरकार के संज्ञान में हैं उन पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी बड़े गोदाम पे पिछले 2 साल में कोई छापा पड़ा हो और ऐसा पकड़ा गया हो कि साहब गोदामों में ये माल पकड़े गए हैं, खाद्य पदार्थ पकड़े गए हैं। दूसरी बात, जीएसटी के बाद जब सरकार बार बार कह रही थी कि एक देश में एक ही रेट होगा वो क्यों नहीं हो पाया, इसकी समीक्षा सरकार नहीं कर रही है? आलोक जी बैठे हुए हैं, खुद बड़े उद्योगपति हैं, क्या आलोक जी को पता है क्या एक रेट होगी जीएसटी लागू हो जाने के बाद? एक ही कंपनी का एक ही आइटम एक ही शहर में 3 रेट 4 रेट का सेल होता है। तो आखिर में देख, आज ही आप देखिए जहां से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जहां से हम शिल्पा जी डिबेट कर रहे हैं, आज ही 18,500 करोड़ का जीएसटी चोरी पकड़ा गया। जीएसटी जब से लागू हुआ है सारे आंकड़े उठा के देख लिए जाए तो लगभग 2,25,000 करोड़ का जीएसटी चोरी पकड़ा गया। इस लूपहोल को कौन बढ़ेगा? सरकार को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं तो बार बार पकड़े जा रहे हैं।
ऐसे कौन से छेद रह गए हैं जीएसटी में जो बार बार उनका वो उपयोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें सरकार के संज्ञान में है, लेकिन सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सब कुछ आम आदमी की जेब पर डाल देने से काम नहीं चलेगा। आलोक वर्षी जवाब दीजिए, इन लूपहोल्स को भी तो भरना होगा ना, जो बिचौलिए एक्टिव है उन पर भी तो लगाम लगानी होगी ना। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक की इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गांव के परिवेश से आता हूँ। ठीक है, मैं नोएडा में आकर व्यापार कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ट्रेड में हूँ। वहाँ मैं एक चीज आपको बता दूँ कि चूंकि एक्सपोर्ट का इस साल का माहौल कुछ बदला हुआ है, चाइना से थोड़ी डेविएशन हुई है, तो यहाँ हर आदमी के हाथ में काम आ गया है, तो निर्यात से जुड़े हुए जितने भी कामगार लोग हैं उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जो इन्होंने एक बात कही बिचौलियों वाली, उससे मैं 100% सहमत हूँ कि बिचौलियों का ही बड़ा खेल है ये पूरे चीज के दाम को नियंत्रण में करना। अगर आपको पता है जो आम आदमी, जो आम गरीब किसान है, उसको पैसे चाहिए फसल के बाद दूसरी फसल रोपने के लिए, उसको तुरंत वो लाभ नहीं मिल पाता है तो बिचौलिया उसको पैसे दे देता है और उससे औने पौने दाम में खरीद लेता है। ये मजबूरी है, इसको उस जन तक वहाँ पर कारगर करना होगा, तो कोई प्लान बनाना होगा ना सरकार को, आप मानेंगे ना इस बात को लेकर, ताकि उन पर लगाम लगाई जा सके। ये नहीं कि मैं बीजेपी का हूँ तो मैं कह दूं कि ये गलत बोल रहे हैं, नहीं, हाँ। ये सच्चाई है, हाँ। जो असली किसान है उसको सही दाम नहीं मिल पाता है, हाँ। क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको शिकार हो जाते हैं, उसको त्वरित पैसे चाहिए, ठीक है, वो डिले नहीं कर सकता, उसके पास बैंक में बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बिचौलियों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर उम्मीद है शुभांश राय जी की आम जनता को थोड़ी राहत मिल जाए। बिचौलियों की हर वर्ग में भरमार है, ठीक है, कोई भी ट्रेड कंट्रोल करने की बात, लगाम लगाने की बात बिचौलियों पर, इन लूपहोल्स पर की तो जा रही है, लेकिन लगता है शुभांश राय जी ऐसा हो पाएगा? आवाज दीजिए शुभांश जी की, समझ में आया, उन्होंने बड़ी जिक्र किया, हाँ। कि 2-3 सालों से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ और समस्या है, उसको निजात पाने के लिए पिछले 70 सालों में देश ने 55,000 करोड़ का कर्जा लिया था, अकेले पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,35,000 करोड़ का कर्जा लिया। अच्छा, ये कर्जा लेके घी पीने की प्रथा सिर्फ एक आदमी पे अप्लाई होती है क्या? अरे आप अगर आपने देश के एसेट्स को बेचा, उनको डिसइन्वेस्ट किया, लोगों को बर्बाद किया, अगर आपने कोरोना के दौरान आपने ट्रेन की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, टोल की कीमत बढ़ाई, सब कुछ बढ़ा डाला आपने, इसके बावजूद वो फायदा आप चौथे पायदान पे बैठे व्यक्ति को नहीं दे रहे हो। और हिंदुस्तान मैडम कृषि प्रधान देश है, कोरोना के बावजूद भी यहाँ खेती बाड़ी सब चल रहा था, कुछ बंद नहीं हुआ जी। एक मजेदार बात और, मध्यकालीन इतिहास में, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो एक राजा होता था जिसने लोगों के सांस लेने के ऊपर टैक्स लगाया, जजिया कर तो लगाया, ऐसे हर हिंदुओं की हर संसाधन पे टैक्स लगाया, उस राजा का नाम था औरंगजेब जी। आज के डेट के आधुनिक औरंगजेब है नरेंद्र मोदी, हाँ। ये कफन से लेके और कलम तक, अच्छा। हर चीज पे इनका टैक्स लगा हुआ है। पहले अगर चीजों का प्रोडक्शन कम होता था तो जो प्रोडक्शन कम होता था उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता था। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी जेब भरने के लिए लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही है। हाँ, बोलिए बोलिए, ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ, बोलिए। रुकिए, पूरा नहीं हुआ, बोलिए बोलिए, रुक जाइए प्लीज, बोलिए। अब रही बात वन नेशन वन टैक्स के ऊपर, ये जीएसटी लाए, हाँ। अब जीएसटी लाते हैं पहले घंटे से ही सारी इन्फ्लेशन, सारी ग्रोथ, सारी महंगाई एक तरफ और सरकार का शुद्ध बेनिफिट दूसरी तरफ। सुविधाएं आप बाद में देते हो और जो वसूली होती है ना वो ये पहले करते हैं। और मैं आपके सारे पैनलिस्टों से एक बात पे सहमत हूँ, आप सब लोग बिचौलिया बिचौलिया कर रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है। चाहे अंबानी को देख लीजिए, चाहे अडानी को देख लीजिए, चाहे रामदेव को देख लीजिए, पूरी दुनिया घर बैठी है। छोटे मोटे व्यापारी नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बोला था, उनका कहा हुआ शब्द है, ये सब तो रोड पे आ गए, सब बर्बाद हो गए, लेकिन उनके मित्र रातों रात दिन दूना चौगुना दूधो रहा पुतो फलो वाली स्टोरी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों से कॉर्पोरेट प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेती रहे
और अंग्रेजों की तरफ खुला छूट दे दे, जाओ इन गरीब भारतीयों का खून चूस लो। और वही हो रहा है आज के डेट में, आवाज उठाने पे अंग्रेजी के भारी भारी सब ये लोग बता देते हैं। आलोक जी से इससे पहले मैं जवाब लूं, आपने कहा कि भाई इनका ध्यान दरअसल अपने शुद्ध बेनिफिट पर है, शुद्ध बेनिफिट से ध्यान हटेगा तो शायद इन्हें वक्त मिल जाए आम जनता की इस समस्या को, इस दर्द को समझने का। मैं आपके पास लौटती हूँ आलोक जी से भी इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले रमेश ठाकुर जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर, वाकई में ऐसा हो रहा है इसी वजह से स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, अगर सरकार चाहे तो आ सकती है? ये चीज अभी सुब्रांशु भाई ने जो कहा उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है, देखो पिछले 7-8 सालों में आप बिंदुवार तरीके से देखो, जितनी भी नवरत्न कंपनियों को बेचा गया उसका एक एक हमें हिसाब नहीं मिला कि एक कंपनी को अगर बेचा गया तो उसका जो मुनाफा हमें हुआ, हमने प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में दे दिया, तो उसका जो मुनाफा जो फायदा हुआ वो किस क्षेत्र में लगा, कहाँ लगा, ये नहीं बताया गया। रेलवे में आपने 1,00,000 नौकरियां जो निचले स्तर की वो खत्म कर दी, ठीक है आपने खत्म कर दी, वो पैसा बच के कहाँ जा रहा ये आपने नहीं बताया। अगर ये सारी चीजें अगर हमको बताओगे, पूरे देशवासियों को बताओगे, तभी तो ये बढ़ती हुई महंगाई का गणित आदमी समझ पाएगा, वो तो कोई समझ नहीं पा रहा है। पेट्रोल में जब चार पांच साल पहले जब पेट्रोल बढ़ रहे थे 60 रुपए से 70-80-90 तेजी से हुए, तो उस समय ये दलील दी गई थी, हमारे भाजपा के मित्रों ने यही कहा था कि हो सकता हमारा जो कन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये चल रहा है, हो सकता चाइना से हमारा युद्ध हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, उस इकोनॉमी को एक धरातल पे मजबूत करने के लिए तब ये रेट बढ़ाए गए, तो उस समय ये दलील दी गई। अब 100 के पार पेट्रोल हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि हम तो तेल बाहर से मंगाते हैं, यूक्रेन ने रूस का युद्ध चल रहा है उसके वजह से ये सारी उसकी आड़ ले ली गई। मतलब ये जो दलीलें हैं ना, तो ये कब तक काम आएंगी आप, लेकिन एक लॉजिक तरीके से आप ये नहीं बता पा रहे हो। ये चीजें रेपो दर आपने बढ़ा दी, ठीक है, एक आम आदमी ईएमआई जिसकी जो 5,00,000 की अगर कोई गाड़ी लेके आएगा तो उसकी 16-17 हजार रुपए ईएमआई जाएगी, वो अब बढ़ के सारे टैक्स वैक्स लगा के वो 18-19 हजार हो जाएगी महीने की, जो 3,000 जो बढ़े हैं ना, ठीक है एक आम आदमी उसको चुकता कर देगा, लेकिन उस 3,000 को भरपाई करने के लिए क्या आपने प्राइवेट जो तनख्वाह जिसकी 10 या 12 हजार रुपए है, क्या आपने 14,000 या 15,000 रुपए करने का कोई प्रावधान करा, या आपने कृषि क्षेत्र में ऐसी कोई चीजें जो छोटा मध्यम वर्ग वाला उसको ये चीजें आपने बढ़ोतरी की, यानी कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही है बाकी सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है, खपत है। और ऊपर से कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा पॉइंट तमाम कंपनियों के हाथ लग गया कि भाई कोरोना पीरियड था, इंक्रीमेंट तो छोड़ दीजिए, भूल ही जाइए, अगर आपकी नौकरी भी सेफ है वो भी गनीमत की बात है। आलोक वर्षी जवाब दीजिए सर। देखिए ये जो रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि 10,000-12,000 वाले की तनख्वाह नहीं, आपको शायद बता दूं कि साल में 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पे स्केल में बढ़ोतरी आती है, जो हमको लागू करना होता है उसको कोई नहीं मना कर सकता है, और वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड की बात सर, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी वो लागू होता है, आपको ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी वो लागू होता है। मैं प्राइवेट सेक्टर का उद्यमी हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर का उद्यमी हूँ, मैं हर साल उसको हमें बाध्यता है लागू करने की, लेकिन सर कोई करता नहीं है, चला जाता है, कोई करता नहीं है। कौशिक साहब सच कह रही हूं मैं, बिल्कुल नहीं, प्राइवेट कंपनियां क्या इतनी सीधी होती है, आज का लेबर इतनी सीधी होती है सर, आज का लेबर इतना अनपढ़ गंवार नहीं है, शायद ही कोई होगा जो नहीं करता होगा। एक एक करके आऊंगी। कौशिक साहब सबसे पहले आपका रिएक्शन। वो कर दिया, वो गले नहीं उतर पा रही है बात, मैं बता रहा हूँ। मैं शिल्पा जी एक एक करके, शिल्पा जी इनकी एक बात को मैं जरा पूरा कर दूं। इन्होंने कहा प्राइवेट नौकरियों के हमने बढ़ा दिए। मेरा घर गीता कॉलोनी में पूर्वी दिल्ली में है, और बगल में यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा एक मार्केट कही जाती है गांधीनगर। उसमें 4-5 साल पहले तक जिनकी 8,000-10,000 रुपए तनख्वाह होती थी, वो कटौती करके 6-7 हजार रुपए दी जा रहे हैं। भाई इनको भेजो भाजपा के नेताओं को, मैं इनको दिखाता हूँ जी, शाम को आपको दिखाता हूँ, फिर आप इसी चैनल पे आके बताना कि ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। कौशिक साहब के साथ में अगर एक्सेप्शनल कैन नॉट बी रूल, अगर किसी एक जगह ऐसा हो रहा है इसका मतलब नहीं, नहीं सर किसी एक जगह की बात नहीं है सर, बहुत जगह पर इस तरह की स्थिति है। प्राइवेट कंपनियों में लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं सर, वहाँ की बाजार स्थिति से आप भी दो चार है, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है सर, कौशिक साहब जल्दी से, कौशिक साहब क्या ये सच है? आलोक जी कह रहे हैं क्या ये सच है?
किसको दे दे सत्ता, आप बता दीजिए सुनते हैं सर, सत्ता दे दे सर, बात सत्ता की नहीं है, बात सत्ता की नहीं है सर, पप्पू को किसको सत्ता दे दे आलोक जी प्लीज सर, प्लीज भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, क्या दे दोगे आप कौशिक साहब, आपकी अपने आप बढ़ जाएगी, 50 बरस तक तो हिलने वाले नहीं है, सुन लेते हैं आलोक जी, सारा बड़ा सहज स्वीकार किया, हाँ जो मैंने कहा वो आलोक जी ने बड़ा सहज स्वीकार किया, बड़े मन से स्वीकार किया, यही स्थिति सरकार की है, सरकार के लोगों को पता है सब कुछ, बस कमी तो एक्शन की है, आलोक जी ने भी ये कहा कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, सरकार के लोग भी चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश कहां से मिलेगा, उन लोगों का संरक्षण किसके ऊपर है, ये थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है। ठीक है सुब्रांश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, विश्वास नहीं हो पा रहा सरकार की इन दलीलों पर, आवाज सर आवाज सुब्रांश जी की आवाज दीजिए प्लीज, जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का घमंड हो गया है कि जनता हमें चुनाव जीता रही है, अरे भैया अगर टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी से हटा दिया जाए तो आप गांव का प्रधानी का चुनाव नहीं जीतोगे, एक बात, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी ये बात 50 साल बोल दिए, 50 साल तक हम कहीं नहीं जाएंगे, जनता के भरोसे, जनता के ऊपर अपनी कर्मठता से अपने कार्य के बदौलत, एक मिनट अरे सुनिए ना, लेकिन सर जो जनता एक मिनट बड़ी फर्श पर पहुंचाती है वो फर्श पर पहुंचाना नहीं जानती, ये भारत मुक्त कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, ऑलरेडी भारत मुक्त कांग्रेस हो चुका है, ठीक है सर एक एक करके सुधांशी कंप्लीट योरसेल्फ, भाजपा युक्त भारत कांग्रेस मुक्त भारत, आलोक जी देखिए देखिए भाजपा बीजेपी की बात नहीं है यहाँ पर, महंगाई की बात है, उससे हर कोई त्रस्त है, सुन तो बात पूरी कर लीजिए सुब्रांश, मैं मानता हूँ आपकी बात को, मैं बड़ा कर देता हूँ सर, आप ही की तरह घमंड रावण को था, हम ब्रह्मासी द्वितीया न को, तो जब उसकी सत्ता नहीं रही तो आप किस खेत की मूली हो, एक बात, दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह बढ़ रहा है, और किसी साथी ने कहा कि आप किसी भी चैनल पे आकर ये बात हमें बता दीजिएगा, अरे सर किसी भी चैनल पे किसी को फोन करके पूछ लीजिए चैनल के कर्मचारी को ही, कि क्या उसको 2 सालों में इंक्रीमेंट हुआ है, दुनिया को मारी है गोली, रही बात सर, ऐसा है कि ठीक है आप जीते हैं, आपका हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का एजेंडा बढ़िया है, हम सब लोगों को एकदम अमृत और मोक्ष और कौन सा काल चल रहा है, अमृत काल की अनुभूति हो रही है, ये नब्ज पकड़ लिया आपने, हमने गलत बटन दबाया, गलत बटन दबाने का नब्ज पकड़ लिया आपने, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और जिसके ऊपर वो कहते हैं ना आलोक जी, वो कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगती है सर, बाकी तो सब प्रवचन देकर निकल जाते हैं, जो सहता है वही उस दर्द को समझ सकता है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आलोक करने वाले लोग हैं, हम भाषणबाजी वाले लोग नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, लेकिन सर फिर कीजिए ना कुछ, तो कुछ तो तभी तो जनता का विश्वास है, देखिए जनता जनार्दन हमारे साथ है, झटके पर झटके के रूप में खड़े हैं, सांस दे दीजिए, जनता के सेवक के रूप में खड़े हैं, अगले महीने देख लेंगे, चल आप चलिए देख लेते हैं, एक और महीना अगर प्रदेश में चुनाव होगा फिर से बुलाएंगे, चलिए ठीक है सर, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, सबसे पहले रमेश ठाकुर जी फाइनल कमेंट आपका, कोई उम्मीद सर महंगाई से राहत की, या कुछ सुझाव सरकार को देना चाहे, कुछ ऐसे कदम जो सरकार उठाए तो शायद कुछ ऐसे राहत मिल जाए, कि महंगाई को किस तरीके से कम की जाए, लेकिन अंततः गप्पा मुझे लगता है कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं, जैसे देखो इनको अब पहले अपने खर्चे पूरे करने हैं, विस्तार प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, राम मंदिर प्रोजेक्ट, इनके लिए पैसा चाहिए, ये सच्चाई कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है महंगाई बढ़ने की, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को पूरा करना है, इसमें लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं होने वाला, अरबों का खर्चा होना, इनकी संख्या का खर्च होने वाला, तो वो सारी मार है, अब जब महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो ये लोग इसलिए आगे नहीं आ रहे, वो तो बेचारे ये जो आरबीआई जो गवर्नर है दास साहब जो नए नए आ रहे हैं उनको आगे कर देते हैं, मुझे लग रहा है कि ठीक है आपके मुताबिक ऐसा कोई जब थोड़ी राहत मिलती दिखाई देती है तो खुद सामने आ जाते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर दूसरों को आगे कर दिया जाता है, आरबीआई गवर्नर की आड़ ले ली जाती है, चलिए ठीक है कौशिक साहब, यानी कि आम जनता फिलहाल यही मान के चले ये होते रहने वाला है, फिलहाल कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि भाई यूक्रेन का युद्ध कब से चलता आ रहा है और ना जाने कब तक चलेगा, फिलहाल तो इन्हीं दलीलों के साथ झटके पर झटके मिलते रहने चाहिए, यानी कि मेंटली प्रिपेयर हो जाए हम लोग,
नहीं शिल्पा, ऐसा नहीं आती, हर चीज की बुरी होती है और ऐसा नहीं है कि महंगाई से जनता त्रस्त है, वो सरकार के संज्ञान में नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी संज्ञान में है और वो महसूस भी कर रहे हैं कि त्रस्त है। क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या फॉर्मूला आएगा, ये सरकार को तय करना है। अगर ऐसी स्थिति मुझे लगता है बनी रही वो दिन दूर नहीं कि लोग सड़कों पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ। ये एक बार सरकार को बड़ा अच्छे से ईमानदारी से समझना पड़ेगा और जिस जनता ने अर्ज पर बिठाया है वो फर्ज पर पटकना भी जानती है, अगर अगर लोगों के सर के ऊपर से पानी निकल गया तो। सुभ्रांश राय, फाइनल कॉमेंट आपका। बहुत दिनों तक, क्योंकि एक छोटा सा शब्द है सीएनजी और पीएनजी, ये तो भारत सरकार और भारत में होता है उपलब्ध। पिछले दो साल तो छोड़िए, पिछले 12 महीने में दिल्ली के अंदर सीएनजी और पीएनजी की कीमत डबल हो गई है। ये व्यापारियों की सरकार है, इनका एकमात्र उद्देश्य है औरंगजेब की तरह खून चूस लेना। औरंगजेब ने उस जमाने में मंदिर तोड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने इस जमाने में बनारस में तोड़ा। वो जजिया वसूलता था, ये भी कफन के ऊपर कर वसूलते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनके प्रवक्ताओं को गलदुदई करनी है, चाहे किसी भी तरह से अपनी हम बात मनवा ले। लेकिन मोदी सरकार को औरंगजेब के बराबर बता दिया है, ठीक है जी जी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग जिस इज्जत से बैठाते हैं, तख्ते नसीन करते हैं, उतनी ही जल्दी नीचे भी उतारते हैं। देखिए अगर बैठाया है वहां पर, अगर विश्वास जताया है जबरदस्त तरीके से, तो उस हिसाब से फिर काम भी करके दिखाना होगा। आज शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जाते जाते स्वामी जी, आपके सुझाव जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी उम्मीदें सर सरकार से। देखिए मैं तो महाभारत का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को और सारे शिष्यों से कहा था पेड़ पे एक चिड़िया है और इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा, अर्जुन ने कहा आग दिख रही है। मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक मित्रों को न चिड़िया दिख रही है, न आग दिख रहा है, न पेड़ दिख रहा है, उसके अलावा सब कुछ दिखता है। देखिए वास्तविकता में देश इस समय बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने वाला है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, जिस तरह रुपया वीक हो रहा है और फ्रूट के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम और भिंडी के दाम, यूक्रेन के युद्ध से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो यहीं पैदा होता है। इस समय उल जलूल निरर्थक बातों पे हमारा ध्यान है, अवॉइड करना चाहिए। और जो हमें अर्जुन जो मूल समस्याएं हैं उन पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब, स्थिति हाथ से बाहर निकलती जा रही है। आलोक वर्ष जाते जाते देशवासियों को क्या आश्वासन देंगे सर? हम आश्वासन देंगे आने वाले समय में सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी, आप भरोसा रखिए। अभी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो सरकार के बस में नहीं है और बहुत सी चीजों पे हमें सख्ती करनी है, उस सब पर कारगर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से लाचारी दिखाएंगे तो सर और ज्यादा पैनिक नहीं है? जनता का विश्वास और भरोसा हम पर है और अभी भी बना हुआ है। आगे हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जीतने जा रहे हैं, तो सर फिर उस भरोसा को हम बनाए रखेंगे और हम आगे तक ले जाएंगे और भारत को फिर से उतनी ही मजबूती प्रदान करेंगे जितनी मजबूती की लोग हमसे आकांक्षा और अपेक्षा रखते हैं। महंगाई से राहत जल्द मिलेगी लोगों को? बिल्कुल मिलेगी, बता दीजिए। बिल्कुल मिलेगी। ये आश्वासन सच्चा है? बिल्कुल सच्चा है। या सिर्फ भाषणबाजी है? हम लोग झूठ वाले हैं ही नहीं। चलिए ठीक है सर, ये जनता पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेपो रेट एक बार फिर से बढ़ा, 4 मई को बढ़ा था, आज 8 जून को बढ़ चुका है। अब अगले महीने ना बढ़े फिलहाल तो हर कोई यही दुआ कर रहा है, लेकिन अगर बढ़ जाता है तब भी क्या कर लेंगे, बस उम्मीद ही लगाई जा सकती है कि जल्द ही राहत मिलेगी। अब वो कौन सी सुबह होगी राहत की कि महंगाई से थोड़ी निजात मिल जाएगी, हम सभी को इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।